ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने के हर जमाने में दो रास्ते रहे। एक रास्ता तो वो है जो अल्लाह पाक ने बताया, जिसको अंबिया किराम अलैहिस्सलाम लेकर तशरीफ लाए। दूसरा रास्ता वो है तो जो इंसान अपनी आंखों देखी के एतबार से और अपनी समझ के एतबार से इख्तियार करते हैं। पहला रास्ता जो है वो सीधा रास्ता है, जिसकी रोजाना हम अल्लाह पाक से हर नमाज की हर रकात में दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीन अनअमत अलैहिम। और दूसरे रास्ते से रोजाना पनाह मांगी जाती है, वो दूसरा रास्ता जो है वो टेढ़ा रास्ता है, जिन पर अल्लाह पाक नाराज होते हैं और जो रास्ता भटके हुए लोग होते हैं गैर मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश करना यह काम था नबियों का। हर जमाने में नबियों ने सीधे रास्ते पर चलाने की लोगों को कोशिश की। जो नबियों की कोशिश में आ गया वो तो सीधे रास्ते पर चल पड़ा, और जब सीधे रास्ते पर चल पड़ा तो अल्लाह ने उसको हर हाल में दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर कामयाब किया। जो नबियों की कोशिश के अंदर आ गया और नबियों के अच्छे माहौल के अंदर आ गया तो वो तो कामयाब हो गया दुनिया में और आखिरत में। नबियों का जो अच्छा माहौल बनता है दावत के जरिए वो ईमान और आमाल वाला माहौल है। तो अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करते हैं उस रास्ते पर चलने वालों को, चाहे उनके पास चीजें कम हो या ज्यादा, बढ़िया हो या घटिया, हर हाल में अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करता है। कच्चा मकान हो या पक्का मकान हो, अंजाम उसका कामयाबी है। लेकिन जिन्होंने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम वाला माहौल उसमें नहीं आए,
बल्कि वो अपनी राय पर रहे और अपनी आंखों देखी पर रहे, तो वो लोग सीधे रास्ते से दूर होते चले गए। सीधा रास्ता जो है जो मेन लाइन होती है, और टेढ़ा रास्ता जो है उसके अंदर से गलियां होती है, तो गलियां जो है वो आदमी को सीधे रास्ते से दूर करती चली जाती। वो गलियां इसीलिए होती कि कहीं से आकर सीधे रास्ते में मिल जाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक लकीर खींची, और लकीर खींच कर ये इरशाद फरमाया कि ये तो सीधा रास्ता है मेरा, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, ये तो मेरा सीधा रास्ता है, पीछे पीछे आ जाओ। लेकिन जो गलियां हैं उसके दोनों तरफ आड़ी लकीरें खींची, यूं फरमाया कि ये गलियां हैं दाहिने और बाएं, उसके अंदर मत जाना, क्यों उन गलियों के जो आदमी जाएगा तो वो मेन लाइन से और सीधे रास्ते से दूर होता चला जाएगा। हर गली पर एक एक शैतान मुकर्रर है और वो आदमी को दूर नहीं जाता है, तो इसलिए सीधे रास्ते पर हमें चलना है। ये काम नबियों का था बताना और उसका माहौल बनाना। नबियों ने हर जमाने में ये काम किया, नबियों का आना अब बंद हो चुका है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, और आप पूरे आलम के लिए नबी बनकर तशरीफ लाए, और कयामत तक के जमाने के लिए नबी बनकर तशरीफ लाए, और नबूवत मिलने के बाद 23 साल की उम्र पूरी फरमाकर आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। अब आपके तशरीफ जाने के बाद इस अजीम शान रास्ते पर चलने और चलाने की कोशिश करने वाला कौन होगा, ये जिम्मेदारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को दे गए, इस उम्मत को दे गए। लेकिन ये उम्मत सारी उस वक्त थी नहीं, हम और आप भी नहीं थे, हमारे बाप दादा भी नहीं थे, तब इस उम्मत को रहबरी कौन करेगा। आप तो कब्र मुबारक में तशरीफ ले गए, तो जिस जमाने में आप थे उस जमाने में जो लोग उम्मती बने जिनको सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं, तो वो उम्मती बने शुरू के उम्मती, तो वो कयामत तक आने वाले लोगों के लिए उनसे रहबरी मिलती रहेगी, क्योंकि वो सारे के सारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के आपता थे, और सारे के सारे पूरी जिंदगी दावत के काम में लगे हुए थे। अगरचे उन्होंने कारोबार भी किया, घर का निज़ाम भी देखा, शादियां भी की, उनके औलाद भी हुई, सब कुछ किया, लेकिन वो सारा का सारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर किया और आपकी बताई हुई तरतीब पर किया। तो आपका कारोबार और घर जो था ये भी सारा का सारा दावत बनता था, और लोग उसे देख देख कर दीन ईमान को सीखते थे। तो इस बिना पर मेरे मोहतरम दोस्तों, अब ये काम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम बना सीधे रास्ते में खुद चलने और दूसरों को चलाने की कोशिश करना, और दूसरे आदमी चलाने वाले बनाने की कोशिश करना, ये काम अब अल्लाह पाक ने इस उम्मत के हवाले कर दिया। अब हम लोगों का और आप लोगों का जमा होना जो है वो इसी सिलसिले में है। मेरे मोहतरम दोस्तों, सीधा रास्ता क्या है जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से लाकर बताया, वो सीधा रास्ता ईमान और आमल वाला रास्ता है। ईमान की जगह वो दिल है, और आमाल की जगह आंख, कान, जबान, हाथ और पैर, ये आमाल की जगह है, और ये हर एक को अल्लाह पाक ने दे दिया है। गरीब हो या मालदार हो, छोटा हो या बड़ा हो, हाकिम हो या महकूम, ज्यादा समझ वाला हो या कम समझ वाला हो, ईमान की जगह दिल, ये सबको मिला, और आमाल तैयार होने की जो जगह है, आमाल जहाँ से जाहिर होते हैं वो भी अल्लाह ने सबको बराबर दे दिया। आंखें बराबर दो दे डाली, और कान जो है बराबर दो दे डाले, हर एक को आगे बराबर बराबर अल्लाह पाक ने दिया, इसके में कोई फर्क नहीं रखा। ये बात नहीं कि किसी की काम ज्यादा है तो उसको अल्लाह ताला ने 15 आंखें दे दी हो, 10 कान दे दिए हो,
ऐसा नहीं। रूहानी काम करने वाला बड़े में बड़ा आदमी और मादी काम करने वाला बड़े में बड़ा आदमी सब पांच कान जबान हाथ पैर दोनों बराबर दे रही, उसके इस्तेमाल का तरीका आदमी तजवीज करे और चले। रूहानी तरीके में तो अल्लाह पाक ने बता दिया और मादी तरीके के अंदर अल्लाह पाक ने तजर्बा करा दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, दूसरा जो टेढ़ा रास्ता है वो टेढ़े रास्ते पर चलने वाले हर जमाने के लिए रुकावट बनते रहते हैं। वो रास्ता आंखों देखी वाला रास्ता है, जो कुछ आंखों से देखा उस पर चला, जो कुछ समझ में आया उस पर चला, जितनी अपनी ताकत थी उस पर लगा दी, उस पर जितना नतीजा निकला उसके ऊपर और कोशिश करनी शुरू कर दी और मौत आई तो मर के चले। वो रास्ता तबाही और बर्बादी का रास्ता है। टेढ़े रास्ते पर चलने वाले की आंख बिगड़ती है, कब्र बिगड़ती है, दुनिया जाहिर के अंदर बनती दिखाई देती है थोड़े वक्त के। आमतौर से टेढ़े रास्ते पर चलने वाले बिगड़े हुए जो लोग हैं उनकी एक तो आखिरत बिगड़ती है, दूसरे कब्र उनकी बिगड़ती है, और दुनिया जो है वो जाहिर के अंदर थोड़े वक्त के लिए बनती है। आमतौर से ये दो लफ्ज याद रखना, जाहिर के अंदर और थोड़े वक्त के लिए। आमतौर से दुनिया बनती दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आखिरत बिगड़ती बिगड़ती कब्र बिगड़ती बिगड़ती दुनिया तक पहुंचती है तो जितनी जाहिर के अंदर बनी बनाई दुनिया है थोड़े वक्त के लिए, एक धक्का लगा और बनी बनाई दुनिया भी तबाह बर्बाद हो गई। जैसे फिरौन, कारून, हामान, कौम आद, कौम समूद, जानी का लश्कर, अबू जहल का मजमा, कैसर और किसरा उसके मानने वाले जो पहले गुजर चुके और आइंदा जो लोग आएंगे उसमें एक तो दज्जाल और उसका पूरा लश्कर, एक याजूज मौजूद है, ये आइंदा आएंगे। आइंदा आने वालों की खबर अल्लाह पाक ने दे दी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी, और पिछली खबरें भी अल्लाह पाक ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी। ये वो लोग थे सारे के सारे कि उनकी आखिरत बिगड़ी, कब्र बिगड़ी, दुनिया जाहिर के अंदर थोड़े वक्त के लिए बनी, लेकिन जब कब्र बिगड़ती बिगड़ती आई तो एक झटका लगा और उनकी दुनिया भी बिगड़ गई। वो गुमान फिरौन के जहन में नहीं होगा, उसके जहन में तो ये था कि मेरा मैं हूँ, मेरा वजीर आजम मेरे साथ है और इसी तरह मेरी पूरी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी मेरे साथ है, मेरे दरबारी, और इसी तरह मेरी पूरी पुलिस मेरे साथ है, फौज पूरी मेरे साथ है और पब्लिक पूरी मेरे साथ है, कोई मेरे खिलाफ नहीं, और मैं धूमधाम के साथ आ रहा हूँ तो मैं तो बिल्कुल कामयाब हो जाऊंगा, ये उसके जहन में था। लेकिन बनी इसराइल जब समंदर पार करके निकल गए और अल्लाह पाक ने जब कह दिया समंदर को तो मिल गया, जब समंदर मिल गया तो ये सारी चीजें उसके कुछ काम नहीं आई और एकदम उसकी समझ में बात आ गई, क्योंकि आखिर के मंजर उसके सामने आ गया फौरन। तो आखिर के मंजर सामने आते ही फौरन उसने ये कह दिया कि मैं मुसलमान हूं और बनी इसराइल के अल्लाह को मैं मानता हूं। المسلمين ये उसने कहा मैं मुसलमान। लेकिन कब कहा? जब दुनिया की सारी चीजें गायब हो गई और आखिरत उसके सामने जाहिर हो गई। एक निजाम तो वो है जो आज दिखाई देता है, मौत के वक्त में ये दिखाई देना बंद हो जाएगा, और दूसरा निजाम है गायबी, ये वो है कि जो आज दिखाई नहीं देता लेकिन मौत के वक्त में वो दिखाई देगा। आज जो दिखाई देता है ये मौत पर गायब होगा, और जो आज दिखाई नहीं देता है वो मौत के वक्त में सामने आ जाएगा, उस वक्त आदमी कुछ कर नहीं सकेगा। तो अंबिया किराम सलाम की बताई हुई, अल्लाह की बताई हुई जो रास्ता है उसके अंदर सबसे पहले ईमान है, और ईमान के माना अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के खजाने
کا یقین دل کے اندر اتارنا, لیکن اللہ پاک دکھائی نہیں دیتے, اللہ پاک کی جو قدرت ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتی, اللہ پاک کے جو خزانے ہیں وہ بھی دکھائی نہیں دیتے, اللہ پاک کی ہر لائن غیب میں. تو اللہ کی ہر لائن جو غیب کے اندر ہے, تو آدمی اس کا یقین کیسے کرے اور اس کو کیسے سمجھے. لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. یہ آنکھیں اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن اللہ سب کو برابر دیکھ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پہچانی جاتی ہے دیکھ کر, آپ دکھائی نہیں دیتے, تو آپ کو ہم کیسے پہچانیں بغیر دیکھے, ہم کو آپ کی معرفت کیسے ملی؟ تو اللہ پاک خود اس کا جواب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں, یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس نشانیاں اللہ کی قدرت کی اور خزانوں کی وہ تمہارے سامنے آ چکی ہیں, اب جو ان کو گہری نگاہ سے دیکھے گا تو وہ تو اللہ پاک کو پہچان لے گا, اور جو ان کو سرسری نگاہ سے دیکھے گا جانوروں کی طرح تو وہ اللہ پاک کو نہیں پہچان سکے گا. تو میرے محترم دوستو, اللہ کا یقین حاصل کرنے کے لیے اور ایمان کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے ایک تو اپنی آنکھ کا استعمال صحیح ہو, وہ یہ کہ جتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو گہری نگاہ سے دیکھیں, کیوں اللہ پاک نے جو کام کیے ہیں وہ دو طرح کے, بعض کام تو وہ کیے کہ جو انسانوں کو دکھائی دیتے ہیں, جیسے زمین ہے, آسمان ہے, چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, سمندر ہے, ہوائیں ہیں, منی کے قطرے سے انسان کا بننا ہے ماں کے پیٹ میں اور زندگی کا پورا کرنا ہے, اسی طرح ریشم کا کیڑا ہے, اسی طرح شہد کی مکھی ہے. تو یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے سمجھتا ہے, اور بعض کام اللہ پاک نے ایسے کیے ہیں کہ جو انسان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے, جیسے فرشتوں کا وجود یہ انسان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے, اسی طرح شیطان کا وجود عام طور سے انسان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا, فرشتوں کا وجود بھی عام طور سے دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح اچھے عمل پر اللہ کا خوش ہو کر اس کا نتیجہ اچھا نکالنا یہ بھی دکھائی نہیں دیتا, اور برے عمل پر ناراض ہو کر اس کا نتیجہ برا نکالنا یہ بھی عام طور سے شروع میں دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح قبر کے اندر بھلا آدمی جائے گا تو اس کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھلنا یہ دکھائی نہیں دیتا, قبر کے اندر جانے والا جو ہے اس کو تو دکھائی دے گا لیکن دنیا میں رہنے والوں کو معلوم نہیں ہو سکے گا, قبر کو کھول کے اگر دیکھے تو اس کے اندر اسے معلوم نہیں ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دے دی کہ اگر ایمان امان والا ہوگا تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے, جہنم کی کھڑکی بند کر دی جائے, اور اس سے تین سوال ہوں گے, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. ان تینوں سوالوں کا وہ جواب دے سکے گا ایمان والا اور امان والا, اس نے قبر کھول دی جائے. اب یہ ساری باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کو دکھائی نہیں دیتی, اسی طرح قیامت کا دن یہاں رہتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا, قیامت کے دن جنت اور جہنم کا وجود یہ ہمیں یہاں دکھائی نہیں دیتا. جنت کی بہت زبردست نعمتیں اور جہنم کی بڑی بڑی پریشانیاں اور ترازو کا وہاں پر رکھا جانا, ایمان وہاں پر جا کے اعمال کا تلنا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پر بیٹھنا اور پانی کا پلانا, یہ وہ ساری خبریں ہیں حدیث کی, قرآن کی. یہ خبریں ایسی ہیں کہ جو اللہ پاک اس کو کر رہے ہیں کریں گے, لیکن یہ یہاں پر ہم کو دکھائی نہیں دیتا. ایک ایک بعض کام تو وہ کہ جس کو انسان دیکھ رہا ہے,
बात काम को कि जो इंसान को दिखाई नहीं देते। अब दिल के अंदर यकीन उतारना और ईमान को उतारने का तरीका यह है कि जो कुछ अल्लाह ने कुदरत की निशानियां और खजानों की निशानियां दिखाई देती है उसको तो गहरी निगाह से देते हैं, और जो दिखाई नहीं देता तो उसको शौक और ध्यान से सुने। तालीम के हल्कों के अंदर, बयानात के अंदर, दस्तों के अंदर कोई बोल रहा हो तो उसे सुने, एक बोले और एक सुने, एक बोले और दूसरे सुने, जब वो बोले तो और सब सुने। तो एक तरफ आंखों का इस्तेमाल सही हो, एक तरफ कान का इस्तेमाल सही हो, एक तरफ जबान का इस्तेमाल सही हो और एक तरफ फिर सोचना सही हो। इन तीनों के इस्तेमाल के साथ फिर आदमी की सोच जो है ये सही होनी चाहिए। इसको गौर करें, ये चारों चीजें अच्छी तरह इस्तेमाल हुई तो फिर ईमान की ताकत दिल के अंदर उतर जाएगी, और ईमान की ताकत जो दिल के अंदर उतरेगी जब ये इस्तेमाल बराबर करता रहेगा तो वो ईमान की ताकत बढ़ती रहेगी। ईमान की ताकत बढ़ेगी तो बदन से तैयार होने वाले आमाल का अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक निकालना ये बिल्कुल आसान होगा। बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर मैंने ये बात बता दी। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ईमान वाली लाइन, आमाल वाली लाइन अगर ठीक हो गई तो गरीब भी कामयाब, मालदार भी कामयाब, छोटा भी कामयाब, बड़ा भी कामयाब, ताजिर भी कामयाब, किसान भी कामयाब, कारखाने वाला भी कामयाब, हुकूमत का चलाने वाला भी कामयाब, पब्लिक का आदमी भी कामयाब, सड़क पर झाड़ू मारने वाला ही भी कामयाब। ईमान वाली लाइन कठी हो गई, आमाल वाली लाइन कठी हो गई तो ये सारे के सारे कामयाब होंगे। लेकिन अगर यकीन दिल का हालत हो गया और बदन से तैयार होने वाले आमाल अगर खराब हो गए और गलत हो गए तो फिर जो जहाँ होगा वहीं पर नाकाम। लेकिन इसके अंदर अल्लाह की तरफ से जो एक आजमाइश, वो जरा जहन में रख लें। अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश है वो ये है कि आमाल और ईमान वाला रास्ता जो है वो खबर वाला रास्ता है, और मुल्क और माल वाला रास्ता जो है वो नजर वाला रास्ता है, वो नजर आता है। अब नजर वाला रास्ता जब नजर आता है तो आदमी देखता रहता है, चलता रहता है, और खबर वाला जो रास्ता है वो नजर नहीं आता। हम सबके पास दो दो फरिश्ते करामत कातिबीन और बराबर नोट कर रहे हैं, नजर नहीं आती। अभी असर की नमाज जब हम लोगों ने पढ़ी तो रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते उन्होंने भी हमारे साथ असर की नमाज पढ़ी, देर वो हमको दिखाई नहीं दी। इसी तरह नमाज पढ़ के जो आदमी अपनी जगह पर बैठा तस्बीह वगैरह पढ़ता था तो एक फरिश्ता आकर कहता अल्लाहुम्मग़फिर लहु अल्लाहुम्मरहमहु, अल्लाह इसको माफ कर, अल्लाह इस पर रहम कर, अभी हमको दिखाई नहीं देता। अच्छा, इसी तरह जो आदमी सूदी कारोबार करता है तो इसमें अल्लाह पाक का खबर जो है वो है कि मैं मिटाऊंगा, और जो आदमी सदका देता है उसमें अल्लाह पाक की खबर यह है कि मैं बढ़ाऊंगा, ये अल्लाह की खबर है, लेकिन ये नजर नहीं आता। यबअल्लाहु रिबा वयुर्बी सदकात, अल्लाह सूद को मिटाते हैं, सदकात को बढ़ाते हैं, ये तो खबर है, और नजर क्या आता है? सूद लिया तो बढ़ा, सदका दिया तो घटा, नजर ही आता है। और खबर क्या है? खबर इसके उलट है, सूद को मिटाऊंगा, सदकात को बढ़ाऊंगा। अब जो आदमी अल्लाह की खबर पर यकीन करके अपनी नजर के खिलाफ कदम उठाएगा इसका नाम है मुजाहदा। ये मुजाहदा है, दिखाई कुछ नहीं देता, अल्लाह रसूल ने कहा है लिहाजा मैं करूंगा, उसे कर रहा है, दिखाई कुछ नहीं देता और कर रहा है, ये जबरदस्त मुजाहदा है। अब ये मुजाहदा करता रहा करता रहा करता रहा तो फिर अल्लाह पाक ने जो खबर दी है फिर वो नजर आने लगती है। नबियों के जमाने में भी नजर आई, शुरू में नजर नहीं आई। नबियों ने जो बात कही वो गैब की बात थी, नबियों के मानने वाले बराबर चलते रहे, बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहि सलाम के मानने वाले चलते रहे, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने खबर दी थी,
کہ جب وہ تم اللہ کے اوپر توکل کرو گے, اللہ کے اوپر بھروسہ کرو گے, تقوی اختیار کرو گے, تو اللہ پاک کی مدد آئے گی. یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام, لیکن کوئی مدد دکھائی نہیں دیتی تھی, بلکہ فرعون خوب اچھی طرح پٹائی کرتا تھا, مارتا تھا, کوٹتا تھا. لیکن یہ اللہ رسول کی خبر پر یقین کر کے, اپنی نظر پر یقین نہ کر کے, خبر پر یقین کر کے چلتے رہے, مار بھی کھاتے رہے. ان کی لڑکیوں سے وہ خدمت بھی لیتا رہا, لڑکوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح بھی کرتا رہا, یہ سارے کام کرتا رہا, لیکن یہ برابر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا کہ دیکھو اللہ پاک کی کیسی مدد آئی کہ 12 راستے سمندر کے اندر بھر گئے, باوجود کہ پوری طاقت دے کر وہ تباہ کرنے کے لیے آ گیا تھا. یہ اللہ پاک نے دکھا دیا. تو یہ خوب یاد رکھو, خبر کے اوپر قدم کا اٹھانا یہ مجاہدہ ہے. جب قدم اٹھاتے رہو گے تو پھر اللہ پاک اس خبر کو دکھا بھی دے گا جو نظر نہیں ہے. پہلی مقولہ ہے المجاہدہ تو مفتاح المشاہدہ, مجاہدہ جو ہے یہ مجاہدے کی کنجی ہے. مجاہدہ کرتے رہو گے تو آگے مشاہدہ کرا دے گا خدا. 13 سال تک مجاہدہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں, 13 سال تک برابر مجاہدہ کیا, دکھائی کچھ نہیں دیتا, لیکن اللہ رسول کی خبر ہے, برابر مار بھی کھا رہے. حضرت بلال کو مارتے مارتے بے ہوش کر دیا, اور جب ہوش میں آئے نا تو مارنے والے سامنے, اور ان کی زبان پر کیا ہے, ایک اللہ ایک اللہ احد احد. اللہ بہت خوش ہو گئے کہ اتنی مار کھا کے بھی اس نے میرے کو نہیں چھوڑا, اور مارنے والے حیرت میں پڑ گئے کہ اتنی مار کھا کے بھی اس نے ہمارے پیر نہیں پکڑے. اس پر پھر اللہ پاک نے مشاہدہ کرا دیا کہ یہ حضرت بلال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی بنے, اور یہ حضرت بلال مسجد نبوی کے مؤذن بنے. اور یہ تو دنیا میں اللہ پاک نے سب کو دکھا دیا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال میں نے جنت کے اندر تم کو دیکھا کہ تم جب چلتے ہو تو میرے پاس سے تمہارے چلنے کی آواز آتی ہے, تو تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو آخرت کے اندر بھی اتنا اونچا مقام, اور دنیا کے اندر بھی سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو اس بات کو کہا مجاہدہ تو مفتاح المشاہدہ, مجاہدہ جو ہے یہ مشاہدے کی کنجی ہے. مکہ مکرمہ میں بڑی تکلیفیں سب اٹھا رہے ہیں, لیکن اللہ پاک خبر دے رہے ہیں سیحزم الجمع ویولون الدبر. یہ آیت پڑھتے ہوئے تھی, مجمع تمہارا ہارے گا, پیٹ پھیر کر بھاگے گا. حالانکہ سارے مکہ مکرمہ کے مشرکین مارتے پیٹتے سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہ آیتیں اتری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی بچی تھی, کافروں کے محلے میں کھیلنے کے لیے چلی گئی, جھولا باندھ کر جھول رہی ہے, اور جھولتے جھولتے کیا کہتی, سیحزم الجمع ویولون الدبر, تمہارا مجمع ہارے گا, پیٹ پھیر کر بھاگے گا. چھوٹی بچی, اور وہ ابو جہل ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے سن کر اتنے زور کا قہقہہ مارتے اور ہنستے ہیں, اور ہنستے 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 زمین کے قریب ہو گئے. ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ان کے بڑے بھی یہی بات کہتے ہیں, ان کے چھوٹے بھی یہی بات کہتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک نے کہہ دیا تھا کون فانزر وربک فکبر, اے میرے پیارے نبی کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ اور اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرو. اور یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں, بلکہ پوری امت کے لیے. اللہ سے لوگوں کو ڈرانا اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا, یہ اصل دعوت کے لیے ہے. دعوت کے ذریعے اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا اور دعوت کے ذریعے ڈرانا, اگرچہ یہ عبادت کے اندر بھی آ جائے گا, جیسے اذان کی اللہ اکبر, جیسے تکبیر کی اللہ اکبر, جیسے نمازیں بار بار اللہ اکبر, جیسے جانور ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر,
गया जिस दाएं बाएं कान में अजान इकामत की अल्लाह अकबर, जब आदमी मर गया तो जनाजे की नमाज की अल्लाह अकबर, तो इबादत के लाइन की भी अल्लाह की बढ़ाई आ जाएगी और जिक्र की लाइन की भी अल्लाह की बढ़ाई आ जाएगी। सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये भी बरब कबीर में आएगा। तो इबादत वाली लाइन भी आएगी, जिक्र वाली लाइन भी आएगी, लेकिन ये आयतें जो होती है असल दावत की लाइन की नहीं होती है। कौन फांदिर बरब कबीर, खड़े हो जाओ डराओ और अपने परवरदिगार की बड़ाई को बयान करो। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करना शुरू किया, अल्लाह की अज़मत और अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की ताकत को तस्लीम करो तो तुम्हारे बेड़े पार होंगे, और अगर अल्लाह की ताकत को नहीं मानोगे तो जब तक अल्लाह ढील देगा तुम्हें मालूम नहीं होगा। लेकिन जिस दिन अल्लाह की पकड़ आएगी, जिस दिन अल्लाह की पकड़ आएगी, तो तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा मजमा, ये सारे मिलकर अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकते। ये बराबर दावत की जाती थी, लेकिन अब जहल का मजमा बेईमानों का वो ये कहता था कि इतनी जोर से तुम लोग कहते हो लेकिन न तो हमारी पकड़ आई और न तुम्हारी मदद आई, तुम्हारी तो पिटाई हो रही और खूब मारा जा रहा, और तीन तीन साल तक तुम्हारा बाइकाट हुआ और तुम्हारा दाना पानी बंद कर दिया, मुलाकातें भी बंद कर दी, शेरे अभी तालिब में कोई मदद वदद कुछ नहीं, और हम लोगों पर कोई पकड़ नहीं आई, बराबर हम धूमधाम के साथ चल रहे और तुम बस कहते चले जा रहे हो। तो इस पर कुरान पाक की आयतें उतरी और पिछले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के किस्से उसके अंदर उतरे और उनको पढ़ पढ़ के सुनाए गए कि देख लो कान खोल कर सुन लो, इन किस्सों को सुन लो, देखो बनी इसराइल कितने कमजोर थे, आखिर में अल्लाह की कैसी मदद आई, फिरौन का लश्कर कितने ताकत वाले थे, आखिर में कैसे उनकी पकड़ आई, नूह अलैहिस्सलाम और उनकी बात मानने वाले ऐसी आदमी जाहिर के अंदर कितने कमजोर थे, आखिर में कैसी मदद आई, और इनका जो मुकाबला करने वाला अक्सरियत वाला मजमा था देखो उनकी आखिर में कैसे पकड़ आई, और ए अबू जहल के मजमे जो तुम कह रहे हो वो उन्होंने भी कहा, पिछली कौमों ने भी यही कहा, पिछले लोगों ने भी यही कहा, और अल्लाह ने करके बताया, अल्लाह ने करके बताया। अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम तो बहुत शफ़क़त के साथ दावत देते थे, मेहरबानी के साथ दावत देते थे और अल्लाह की अज़मत और बड़ाई को बयान करते थे, लेकिन इनके मुकाबला करने वाले जो थे वो बिल्कुल इनकार कर देते थे, वहां से इनकार यहां से इसरार, खूब जोरों पर दोनों बराबर चलते रहे। और आखिरी हद तक जब बात पहुंची तो वो सारे जितने भी भटके हुए थे उनका झूठ बोल रहे, इतने साल हो गए कुछ भी नहीं हो रहा, बेकार की बातें, और आज के जमाने में भी बात कही जा रही, ये तो हर जमाने में कही गई, घबराने की बात नहीं, अगर कोई कहे ना तो हमें घबराना नहीं, इस तरह के करने वाले अल्लाह है और वादा अल्लाह का है, जमीन और आसमान और चांद और सूरज पैदा करने वाले अल्लाह का वादा है, और अल्लाह वादा खिलाफ ही नहीं करता, और अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह जिस तरीके से ऊँटों के जमाने में कादिर था, अल्लाह रॉकेट के जमाने में भी उसी ताकत और कुदरत के साथ है, अल्लाह पाक डंडे और तलवारों के जमाने में कुदरत वाला था, तो आज एटमी जमाने के अंदर भी अल्लाह उसी कुदरत वाला है, अल्लाह की कुदरत का मुकाबला डंडा और तलवार वाले नहीं कर सकते, तो एटमी ताकत वाले भी नहीं कर सकते, ऊँटों के जमाने के लोग नहीं कर सकते अल्लाह की कुदरत का मुकाबला, तो आज रॉकेट वाले भी अल्लाह की कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते, करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की, हर जमाने में ये बात कही जाएगी, लेकिन दावत देने वालों को घबराना नहीं चाहिए, इस तरह जिस अल्लाह की तरफ दावत देते हैं वो अल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह है। ये कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के उन्हें सुनाई, लेकिन होता ये था कि नबी दावत देते 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 एक हद तक पहुंच जाते थे मेहरबानी और शफ़क़त के साथ,
और नबियों को ये अंदाजा हो जाता था, या तो वही के जरिए मालूम होता था या अंदाजे से, कि अब ये लोग ठीक नहीं होंगे और ये लोग जहर फैलाते रहेंगे और ये लोग शिर्क और कुफ्र को और गलत रास्ते को दुनिया में फैलाते रहेंगे। तो फिर अंबिया कराम रहमतुल्लाह ने फिक्र किया कि ऐसे जहरीले फोड़ों का ऑपरेशन कर देना चाहिए, वरना जहर फैलता रहेगा। जैसे मादी लाइन के अंदर बदन में फुंसियां हो जाए तो डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक की गोलियां देता है और ऑइंटमेंट यानी मरहम देता है, गोलियों से अंदर की सफाई और मरहम से बाहर की सफाई, और हो जाती है। लेकिन बाद में मतलब ऐसे जहरीला फोड़ा है कि नहीं ठीक होता, तो फिर सिविल सर्जन डॉक्टर वो ये कहता है कि इसका ऑपरेशन कर दिया जाए, पूरे बदन के फोड़े ठीक हो गए, ये हाथ के फोड़े ठीक नहीं हो गए, बहुत जहरीले। तो डॉक्टर ये कहेगा इस यहां तक हाथ को काट कर फेंक दो, यहां तक हाथ को काट कर फेंक दो। ना शांति शांति, अरे तेरी शांति की ऐसी तई, इसको काट कर फेंक देना चाहिए। शांति, अच्छा जब शांति कर, अब ये शहर फैला कोहनी तक, अब डॉक्टर कहेगा कोहनी तक कटेगा, कोहनी तक ना शांति शांति, फिर कंधे तक यहां तक कटेगा शांति, फिर वो शहर पूरे बदन में फैल जाएगा और शाही फोड़ों की आखिरी हद मौत है और रूहानी फोड़ों की आखिरी हद जहन्नम। रूहानियत के एतबार से जब इंसान बिगड़ने शुरू होते हैं तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दावत के लाइन के एंटीबायोटिक देते हैं और अखलाक और मेहरबानी और शफ़क़त और नरमी और हिकमत की लाइन का पॉइंट बेच देते हैं। हर नबी ने ऐसा किया, बावजूद है कि उन्होंने बहुत सताया, लेकिन नबियों ने उनके साथ बहुत ही मेहरबानी का मामला किया। तो दावत की लाइन की एंटीबायोटिक और अखलाक की लाइन का ऑइंटमेंट ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने दिया। जितने ठीक हो गए वो ठीक हो गए और जितने ठीक न हुए, तब नबियों ने देखा कि ये जहर न मालूम नस्लों तक फैलेगा, तो नबियों ने फिर ये सोचा कि इनका ऑपरेशन होना चाहिए, तो नबियों ने अल्लाह से ऑपरेशन करा दिया। दोनों तरफ बात हुई, जो बिगड़े हुए लोग थे वो तो ये कहने पर है कि छूट खामखा ये बातें, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जो थे उनको हो गई इनसे ना उम्मीदी, तो अब ये यूं चाहते हैं कि अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे और वो यूं चाहते हैं कि इनका झूठ जो है वो खुल कर रहे। यहां तक के नबी जो है उनको तो हो गई ना उम्मीदी, कि इतने सैकड़ों साल से समझा रहे ये माने ऐसे दिखाई नहीं देती। وَظَنُّوا قَدْ كُذِبُوا, और वो जो बेईमान लोग थे ना, खराब लोग, उनको ये ख्याल हुआ कि नबी लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बेकार की बात है। जब दोनों यहां तक पहुंच गए तो फिर जाहुम नसरुना, फिर नबियों के साथ अल्लाह की मदद आई, उनकी बात मानने वालों से फनुचियमन नशा, हमने जिसको चाह उसको छुटकारा दे दिया, जिसने नबी की बात मानी वो तो छुटकारा पा गए दुनिया के अंदर। वलायुरद्दू बासुना मिल कौमिल मुजरिमीन, और हमारी पकड़ इन मुजरिमों के ऊपर से हटी नहीं, और ये मुजरिम पकड़े गए अच्छी तरह। हर नबी के किस्से में आपको मिलेगा और ये कुरान में आयतें उतरती रही। नूह अलैहिस्सलाम का भी किस्सा बराबर उतरा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी
हजरत नूह अलैहि सलाम से कहा कि तुम हमसे झगड़ा क्यों करते हो? इन्होंने क्या कहा कौम ने? कालू या नूह कद जादलतना फअक्सरता जिदालना फअतिना बिमा तअदुना इन कुंत मिनस सादिकीन। खूब झगड़ा कर लिया तुमने, अगर तुम सच्चे हो तो जौन से अजाब से डराते हो ले आओ, लाते क्यों नहीं? सैकड़ों साल हो गए, हमारे बाप दादा परदादा परदादा के बाप ये सबको तुमने डराया, वो सारे मर मर गए, चले गए, अजाब तो आया नहीं, ले आओ ना, झगड़ा क्या क्यों करते हो? ये कौम तो यहां तक पहुंच गई। और हजरत नूह अलैहि सलाम को भी मालूम हो गया कि अब ये ठीक नहीं होंगे, ये ठीक नहीं होंगे, इनकी औलाद भी सारी यही भला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, इनकी सारी औलाद भी यही खराब होगी, फिस्क और फुजूर कुफ्र शिर्क वाली होगी, इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया है। तो अब हजरत नूह अलैहि सलाम ने अल्लाह से कहा फदा रब्बहू अन्नी मगलूबुन फंतसिर, एला मैं तो बेकस और बेबस हूं, एला तू ही बदला लेना इनसे। तो एक तरफ नूह अलैहि सलाम ने तो अल्लाह से कह दिया कि अल्लाह बदला ले, इन जहरीले फोड़ों का तो ऑपरेशन कर दे, और एक तरफ वो कहने लगे कि लाना अजाब कहां है, दोनों तरफ से बात यहां तक पहुंच गई। बस इसके बाद फिर अल्लाह पाक ने पानी बरसाना शुरू किया, नूह अलैहि सलाम कश्ती के ऊपर सवार हो गए, 80 मर्द औरतें उनके मानने वाले भी खड़े, मानने वाले भी उसके अंदर बैठ गए, 3 बेटे उनकी बीवियां ये सब बैठ गए उसके अंदर, एक बेटा उसने नहीं माना, और चारों तरफ से पानी भर गया, तो वो तबाह और बर्बाद और गारत हुआ। ये सारे वाकयात जो है कुरान में उतरते थे और अबू जहल के मजमे को सुनाए जाते रहे, जैसे आज भी सारे वाकयात सुनाए जा रहे, आज भी वाकयात सुनाए जा रहे हमारे मुसलमानों के मजमे में, इसलिए कि पहले तो मुसलमान के अंदर नबियों वाला काम आ जाए, जब मुसलमान के अंदर ये नबियों वाला काम दावत का आ जाएगा, और मुसलमान के अंदर ये 5 बातें आ जाएंगी, एक तो ईमानियात की लाइन मजबूत हो, दूसरे इबादात की लाइन ताकतवर हो, तीसरे मुआशरत रहन सहन और घरेलू जिंदगी नबवी तरीके पर हो, और चौथे मामला और लेन देन और कारोबारी जिंदगी रसूल करीम शासन के तरीके पर आ जाए, और पांचवें अखलाकी मेयार बहुत ऊंचा हो जाए। ये 5 बातें अगर उम्मत के अंदर आ गई तो ये उम्मत पूरी दुनिया में जो फैली हुई है अक्सर व बेशतर जगह इन ईमान वालों के साथ बगैर ईमान वाले भी रहते हैं, अक्सर व बेशतर जगह घर भी करीब करीब, महले भी करीब करीब, दुकानें भी करीब करीब, तो बगैर ईमान वाले जब इन ईमान वालों के अंदर ये 5 बातें देखेंगे तो खुद उन्हें एहसास होगा और उम्मीद है अल्लाह की जात से कि कौमे के कौमे और मुल्क के मुल्क ईमान की तरफ धड़ा धड़ धड़ा धड़ आ जाए, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। इन 5 बातों को हमें इस उम्मत के अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। जो 5 बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के मदीना मुनव्वरा के अंदर जमा होने के बाद उनके अंदर ये 5 बातें पैदा फरमा दी, और इसको देख देख कर लोग धड़ाधड़ ईमान की तरफ आते रहे, लेकिन सारी दुनिया मदीना मुनव्वरा जा नहीं सकती, तो इन सहाबा की जमातें बना बना कर और इनको अल्लाह के रास्ते में भेजा, और वो लोग जहां जहां पर गए उन लोगों के सामने ये 5 बातें अमलन आई, तो लोगों ने कलमा पढ़ा, उनको फिर मदीने भेजा, मदीने में आकर उन्होंने ये 5 बातें सीखी, और फिर अपने इलाके में गए और वहां पर उसके फैलाने की कोशिश की। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ फिजा और माहौल बनाई
और धड़ाधड़ ईमान जो है फैलने की सूरतें पैदा होती चली गई। तो आज भी हमें बराबर वही बात करनी है जो नबियों ने कही और जमकर करनी है, और झेपना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, अच्छी तरह जमकर अल्लाह की अजमत और बड़ाई को बयान करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पुराने वाकयात अच्छी तरह से बयान करने शुरू किए कुरान पाक वाले, तो अबू जहल वगैरह के मजमे ने क्या कहा, हाजा असातीरुल अव्वलीन, ये तो पुरानी कहानियां हैं, पुरानी कहानियां छोड़ो, हो चुका जो होना था आज करके बताओ, आज करके बताओ, ये तो पुरानी कहानियां, ये उन्होंने कहा। लेकिन अल्लाह पाक ने एकदम से उनको नहीं पकड़ा, फिर बदर में दोनों तरफ के जमा हो गए, अबू जहल का मजमा तो तैयारी के साथ और रसूल करीम सरसम के साथ ही बेकसी और बेबसी में, और यहां पर अल्लाह पाक की गैबी मदद आदि आ गई बेकसों बेबसों पर, और अल्लाह पाक की गैबी पकड़ आ गई तैयारी करने वालों पर, तो सबके दिमाग जो है खुल गए और दिमाग का जो स्क्रू टाइट था ना वो ढीला हो गया, और उनकी समझ में बात आई कि ये लोग जो कहते अल्लाह ते बोगस चीज नहीं, ये लोग जो कहते अल्लाह गैबी मदद आती है, अल्लाह पाक की गैबी मदद आने में एक तरफ ईमानियत पर लाई, खूब जमकर अल्लाह की अजमत और बड़ाई का बयान करना, जबान से बयान करना, कानों से सुनना और आंख से खुदा की कुदरत जो दिखाई देती है उसको गहरी निगाह से देखना और दिमाग से सोचना, तो फिर वो दिल के अंदर उतरना शुरू होता है, और दिल के अंदर ईमान की ताकत उतरनी शुरू होगी तो बदन से तैयार होने वाले जो आमाल है वो सही होने शुरू हो जाएंगे, फिर आदमी उसे सीखेगा भी, फिर वो तालीम के हफ्ते में बैठेगा, वो अजमत को देखेगा, वो आमाल की अजमत को सुनेगा और फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को लाएगा। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं बात कि एक लाइन सीधी वो तो है खबर वाली, मुजाहदा उसमें ये है कि नजर आता है, और एक लाइन है टेढ़ी नजर वाली, जाहिर में सहूलत उसमें ये है कि वो दिखाई देती है, मुल्क और माल वाली लाइन दिखाई देती है और ईमान और आमाल वाली लाइन दिखाई नहीं देती, मुल्क और माल वाली लाइन में कामयाबी दिखाई देती है लेकिन है नहीं, और ईमान और आमाल वाली लाइन में कामयाबी दिखाई नहीं देती लेकिन है, मुल्क और माल वाली लाइन में कामयाबी का दिखाई देना ऐसा है जैसे प्यासा आदमी बहुत प्यास लगी और दूर से उसे पानी दिखाई दिया तो बहुत खुश हो गया कि पानी प्यासे को, और वहां गया ना दूर तो वहां जाके देखा तो पानी नहीं था बल्कि वो चमकता रेत था जिसको अरबी जबान में कहते सराब, वहां जाके देखा तो चमकता रेत था, अरे ये तो रेत निकला, अब इसके बाद उसे पानी दिखाई दिया आगे, अरे चलो आगे, अब आगे चला वो पानी पानी पानी, वहां गया तो वहां जाके मालूम चमकता रेत था, मुल्क और माल वाली लाइन बिल्कुल ऐसी है, उसमें कामयाबी दिखाई देती है लेकिन है नहीं, जितना मुल्क और माल किसी के पास है उसमें कामयाबी नहीं दिखाई देती बल्कि उसे आगे दिखाई देती, वहां पर पहुंच गया तो फिर कामयाबी उसमें दिखाई नहीं देती, आदमी बहुत प्यास लगी और दूर से उसे पानी दिखाई दिया तो बहुत खुश हो गया कि पानी प्यासे को, और वहां गया ना दूर तो वहां जाके देखा तो पानी नहीं था बल्कि वो चमकता रेत था जिसको अरबी जबान में कहते सराब, वहां जाके देखा तो चमकता रेत था, अरे ये तो रेत निकला, अब इसके बाद उसे पानी दिखाई दिया आगे, अरे चलो आगे, अब आगे चला वो पानी पानी पानी, वहां गया तो वहां जाके मालूम चमकता रेत था, मुल्क और माल वाली लाइन बिल्कुल ऐसी है,
उसमें कामयाबी दिखाई देती है लेकिन हरी नहीं। जितना मुल्क और माल किसी के पास है उसमें कामयाबी नहीं दिखाई देती बल्कि उसे आगे दिखाई देती है। वहां पर पहुंच गया तो फिर कामयाबी उसमें दिखाई नहीं देती बल्कि उसको आगे दिखाई देती है। यानी आदमी के पास मिलियन पाउंड है अपने पास, उसमें कामयाबी नहीं दिखाई देती। एक बिलियन पाउंड जो दूसरों की जेबों में फैले हुए उसमें कामयाबी दिखाई देती है, चमकता रेत। अब ये चलता रहता है हलाल के हराम के बिलियन हासिल कर लिए, अब इसमें कामयाबी दिखाई नहीं देती, उसे तो ट्रिलियन के अंदर कामयाबी दिखाई देती है। फिर चला यहाँ तक होते होते मौत आ गई। खुदा पाक की कसम सारी दुनिया का नक्शा में खेच रहा हूँ और पिछले बिगड़े हुए का नक्शा यही है। मुल्क और माल, रुपया और पैसा, सोना और चांदी, दुकान और खेत, पौधा और डिग्री, इसके अंदर कामयाबी दिखाई देती है लेकिन खुदा पाक की कसम नहीं, कामयाबी दिखाई देती है लेकिन है नहीं। इसकी मिसाल ऐसी जिसे चमकता रहे कसराबिन बेकियतिन या सबहु जमान मा, कसराबिन बेकियतिन या सबहु जमान मा। जैसे जंगल के अंदर चमकदार रेत, प्यासा उसे समझता है पानी और वहां पर जाता है, फिर आगे यहां तक कि उसकी मौत आ जाती है। ये सारा हाल पिछली कौमों का भी हुआ और ये हाल इस कौम का भी, इस जमाने के लोगों का भी हो रहा है। बड़ा घमंड, बड़ा फखर कि साहब हमारी हुकूमत के अंदर सूरज भी नहीं डूबता, हर जगह हमारी चल रही है। बड़ा फखर, खूब चमकता रहे उसको पानी समझ के चलते रहे। फिर अल्लाह पाक ने बता दिया, क्या बताया मुझे सुनाने की जरूरत नहीं, सारे जानते हैं। क्या बताया सारे जानते हैं, जो ताकतें इन इंसानों ने तैयार की थी वो ताकतें काम नहीं आई और तबाही और बर्बादी होनी शुरू हो गई। इतनी तबाही और बर्बादी हुई जिसकी कोई हद नहीं। ये तो है मुल्क और माल वाली लाइन, ये दुकान खेत रुपया पैसा सोने चांदी वाली लाइन, ये है ओहदे डिग्री वाली लाइन और एक ईमान और अमल वाली लाइन। इसके अंदर कामयाबी दिखाई तो नहीं देती लेकिन है, लेकिन शर्त यह है कि ईमान की ताकत दिल के अंदर उतर जाए। दिल के अंदर ईमान की ताकत उतर जाए, अल्लाह की असमत को बोलते बोलते तीन बातों से ईमान की ताकत दिल में उतरती है और इन तीन बातों को कुरान ने अकली दलीलें दे देकर बताया। एक तो अल्लाह की असमत, दूसरे नबियों का नबी होना और तीसरे आखिर, इन तीन बातों को अल्लाह ताला ने अकली दलीलों के साथ बयान किया है पूरे कुरान पाक के अंदर। एक तरफ तो अल्लाह पाक की अजमत और अल्लाह पाक की कुदरत, अल्लाह पाक के खजाने, इसको इतना बोला सुना जाए कि दिल के अंदर ये बात उतर जाए, दिखाई तो देगा नहीं लेकिन उसकी निशानियां दिखाई देंगी। उन निशानियों को ऐसे तरीके पर बोलना कि वो दिल के अंदर बात उतर जाए। अल्लाह पाक ने बताया कद जाकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से निशानियों का तस्करा होगा। इसको गहरी निगाह से देखें, गहरी निगाह से, तो फिर दिल के अंदर अल्लाह की मारिफत, दिल के अंदर अल्लाह की अजमत, दिल के अंदर ईमान की ताकत, ये उतरनी शुरू हो जाएगी। मैं भी थोड़ी सी बयान कर दूं, खुदा की कुदरत की निशानी, खुद ये इंसान है, कुदरत दिखाई नहीं देती, वो छिपी हुई है। ये इंसान खुदा की कुदरत की निशानी है। ये 5.25 फीट का इंसान माँ के पेट से निकला तो एक बालिश का, माँ के पेट के अंदर चंद उंगल का, उससे पहले मनी के 2 कतरों में छुपा हुआ, मनी के 2 कतरों से पहले ये इंसान गजा और खुराक के अंदर बिखरा हुआ, गजा और खुराक से पहले ये इंसान करोड़ा करोड़ मील के रेजों में, जर्रों में, एटम्स में, जमीन आसमान के बीच में ये बिखरा हुआ, सूरज की किरणों में,
हवा की लहरों में, बारिश के कतरों में, चांद की रोशनी में, सितारों की तासीर में, और इसी तरह जमीन के एटम्स और जर्रात और रेजों में, और इसी तरह खाद की गंदगी में। ये इंसान करोड़ों करोड़ मील बिखरा हुआ था। 100 साल पहले मैं और आप जमीन आसमान के बीच में लाइन में लगे हुए थे, हम सब लाइन में लगे हुए थे, और इस वक्त में करोड़ों करोड़ इंसान लाइन के अंदर लगे हुए हैं। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में कहीं चले जाओ, बिल्कुल पक्की बात है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने सारा निजाम चलाया, गिजा बनाई, मर्द औरत ने खाई, मनी बनाई, दोनों मिले, हमल ठहरा। पहले चिल्ले के अंदर गोश्त का लोथड़ा या खून का लोथड़ा, दूसरे चिल्ले के अंदर गोश्त का लोथड़ा, तीसरे चिल्ले के अंदर सच्चे इंसान है, बिल्कुल रेगुलर तैयार हो गई तीन चिल्ले में, और उसके अंदर रूह भी पड़ गई तीन चिल्ले के अंदर माँ के पेट में। ये इंसान जो है, जब कोई चीज बनाता है तो खुले मैदान में बनाता है और उजाले में बनाता है, लेकिन इंसान को जो अल्लाह पाक ने बनाया तो तंग जगह में बनाया और अंधेरे में बनाया। यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम खल्कन मिन बाद खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। अल्लाह पाक फरमाते कि तंग जगह में बनाया और अंधेरे में बनाया, चंद उंगल का ये इंसान बन गया, और अल्लाह पाक ने उसमें जान भी डाल दी। और ये चंद उंगल का जो बना ना, अल्लाह पाक ने उसमें आंख, कान, जबान, हाथ, पैर, दिल, दिमाग, ओजड़ी, कलेजी, तिल्ली, फेफड़ा, गुर्दा, मसाना, हंसली, पसली, कोहनी, पंजा, पांच उंगलियां, तीन पोरवे, एक नाखून, और दांतों की सीट सब तैयार कर दी, और उसमें रूह डाल अंदर ही अंदर हरकत करने लगा। 9 महीने पर दुनिया के अंदर आ गया। अब दुनिया के अंदर तीन दौर गुजरे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और इसके बाद मौत। मौत के बाद 7-8 फीट की कब्र के अंदर दफन। तो अल्लाह ताला ये बताते हैं कि करोड़ों करोड़ मील के जर्रात को जमा करके एक मरतबा माँ के पेट में, जो अल्लाह चंद उंगल के बच्चे में जान डाल चुका, तो वो अल्लाह 7-8 फीट की कब्र के अंदर तेरा रेजा रेजा बनाकर क्या कयामत के दिन दोबारा जान नहीं डाल सकता? प्यार और शफ़क़त से अल्लाह पाक समझा दे ताकि कयामत के दिन परेशान न हो। कितने तेरे पर दौर गुजरे ए इंसान, समझ में आते हैं? एक दौर तो मट्टी का, एक दौर मनी का, एक दौर खून के लोथड़े का, एक दौर बचपन का, एक दौर जवानी का, एक दौर बुढ़ापे का। अल्लाह पाक कहते हैं कि इतने दौर तो तेरी समझ में आ गए, जरा अकल से काम ले कि एक दौर की मैं खबर देता हूं, और वो ये कि कयामत के दिन जिंदा करूंगा मैं, और जिंदा करने के बाद फिर तेरा हिसाब होगा। अगर तू भला आदमी है तो तुझे जन्नत में दाखिल करूंगा, और अगर तू बुरा आदमी है तो मैं तुझे जहन्नम में दाखिल करूंगा। ए इंसान, जरा अकल से काम ले कि जिसने इतने दौर तेरे को दिखा दिए अल्लाह ने, तो क्या वो अल्लाह उस दौर को नहीं दिखा सकता? मरने के बाद दोबारा जिंदा होना। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितब्लुगू अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनू शुयूखा وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ। सुभान तेरी कुदरत, कोई माँ अपने बच्चों को नहीं समझा सकती। बहुत मेहरबानी करके अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को समझा रहे, और ये बात हम सारी दुनिया के इंसानों को समझा रहे। وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ मट्टी का दौर,
सुम्मा मिन नुत्फतिन मनी का दौर, सुम्मा मिन अलकातिन खून के लोथड़े का दौर, सुम्मा युख्रिजुकुम तिफ्लन बचपन का दौर, सुम्मा लितबलुगू अशुद्दकुम जवानी का दौर, सुम्मा लितकूनू शुयूखा बुढ़ापे का दौर। इसके बाद वमिनकुम मन युतवफ्फा मिन कब्लू, और तुम में बहुत से वो जो पहले ही मर जाते हैं, कोई जवानी में, कोई बचपन में, और कोई माँ के पेट से मरा हुआ निकला। अल्लाह पाक फरमाते हैं वली तबलुगू अजल मुसम्मा वलअन्नकुम ताकिलून, और वो मुअय्यन दिन कयामत का जो बताया है उस दिन तुम पहुंचोगे। अरे अकल से काम करो कि जो अल्लाह तुम पर इतने दौर लाया तो क्या वो अल्लाह कयामत का उस दौर को नहीं ला सकता। ये अल्लाह पाक प्यार और शफ़क़त से इसके अंदर कुदरत का मुजाहरा भी कर दिया, कुदरत की निशानियों को समझा दिया, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को समझा दिया। ये तीन बातें अल्लाह पाक अपनी दलीलों के साथ समझाते हैं। तो इस बिना पर मेरे मोहतरम दोस्तों, अली अंबिया किराम अलैहिस्सलाम वाला काम हमें जमकर जबान से भी इस काम को पेश करना है, अमल से भी इस काम को पेश करना है, और दिल के अंदर की सफाई भी करनी है। ये तीनों काम हमें करने होंगे। बामना हसन قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ। तीनों बातें अल्लाह पाक ने बता दी। कौन है बढ़िया आदमी बोलने के एतबार से जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, तो एक तरफ जबान से अल्लाह की अजमत और बड़ाई का बोलना और जबान से दावत का देना, وَعَمِلَ صَالِحًا और अमल भी उसका बहुत बढ़िया हो, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ बात भी अच्छी करता है अमल भी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद कहता क्या, मैं तो मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। ये उसको नहीं, देखो मैं कैसी अच्छी तकरीर करता हूँ और देखो मेरी जिंदगी कैसी साफ पाक है, फखर भी आता उसको, बल्कि वो कहता मैं एक मुसलमानों में से मुसलमान हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके जरिए इज्तिमाइयत पैदा होती चली जाएगी और पूरे आलम पर इसके असरात पड़ते चले जाएंगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि जमाते बना बना कर पूरे आलम के अंदर तुम्हें जाना है और अल्लाह की अजमत और बड़ाई को बयान करना है। अल्लाह की ताकत के मुकाबले में सारी दुनिया की ताकतें मकड़ी के जाले हैं, और अल्लाह के खजाने के मुकाबले में सारी दुनिया के खजाने जो है ये मच्छर का पर है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, पिछले वाकयात भी समझ में आवे और आइंदा कयामत के दिन जो होने वाला है वो भी समझ में आवे और कब्र के अंदर जो होने वाला है वो भी सारा समझ में आवे, उसके लिए ईमान का और हिदायत का नूर दिल के अंदर उतरा हो दूरबीन की तरह। ये दूरबीन है, एक तो दुनिया की मादी लाइन की दूरबीन है, ये दुनिया की मादी लाइन की दूरबीन जो है वो जो चांद के धब्बे वगैरह दिखा देगी,